स्टूडेंट लर्नर मॉड्यूल 10 डे 6 ग्रुप डिस्कशन लेके मैं हाजिर हूँ, तो प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसी के थ्रू आपको मैं पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली हूँ। ओके लर्नर, सो प्लीज प्लीज वीडियो को वॉच कीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। पार्ट ए में आपका फर्स्ट है लर्न एंड प्रैक्टिस सम ट्रिक्स एंड टिप्स ऑफ बीइंग कंस्ट्रक्टिव। इसकी मीनिंग होती है उपयोगिता, कुछ यूजफुल। ओके, इन अ ग्रुप डिस्कशन में। ओके, सो इसकी मीनिंग है, चलिए इसको जान लेते हैं। इसकी करेक्ट प्रोनंसिएशन, क्योंकि मेरी प्रोनंसिएशन थोड़ी बैड है स्टूडेंट, है ना, बहुत स्टूडेंट बोलते हैं और मुझे भी पता है ये वीकनेस। मैं कोशिश करती हूँ प्रैक्टिस करने की हर एक वर्ड की, लेकिन कुछ ना कुछ सिखाते, क्योंकि लैंग्वेज हम सीख रहे हैं तो लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड्स हैं जो नए नए वर्ड आते रहते हैं, तो वो मेरे लिए भी न्यू होते हैं। ओके, सो आई होप आप इस चीज़ को समझोगे स्टूडेंट्स, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसकी करेक्ट प्रोनंसिएशन सीखते हैं, देन इसके बाद हम और कुछ जानेंगे। लेट्स गेट स्टार्ट। कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्ट लर्नर्स, अभी हमने जाना कंस्ट्रक्टिव की करेक्ट प्रोनंसिएशन क्या होती है। ओके, आई होप आपने उसको सही से लिसन किया होगा। ओके, अब आगे देख लेते हैं पार्ट बी में आपके लिए क्या है। पार्ट बी में आपका है डे 6 टॉपिक दिए गए हैं, जो कि 1 to 6 है, जो कि आपको लर्न करना है, समझना है। जो भी आपके फैसिलिटेटर होंगे उनके थ्रू आपको समझाया जाएगा और इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, नोट्स आपको राइट डाउन करने होंगे। ओके, सो टॉपिक्स हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, व्हाट्स सोशल मीडिया से रिलेटेड है, सेकंड एंड इंग्लिश से रिलेटेड है, सॉरी इंग्लिश लर्निंग लैंग्वेज से रिलेटेड है, एंड सॉफ्ट स्किल मैटर मोर देन टेक्निकल स्किल से रिलेटेड है। काफ़ी सारे टॉपिक्स आपको दिए गए हैं आपकी लर्निंग के लिए। आई होप आप इसमें सीखेंगे और इससे रिलेटेड मैं कोशिश करूँगी आपके साथ PDF शेयर करूँ, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लीजिएगा। ओके लर्नर्स, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। स्टूडेंट्स लर्नर, पार्ट सी में है आपके टॉपिक्स एंड रोल्स। ये है क्या, ये आपके टॉपिक्स हैं जो कि आपके कॉन्सेप्ट में आप सेलेक्ट करने वाले हो। एज अ फैसिलिटेटर भी आपको सेलेक्ट करवा सकते हैं, एज अ ग्रुप में भी आप कर सकते हो सेलेक्ट। ओके, क्योंकि नेक्स्ट डे आपका कॉन्सेप्ट होने वाला है, सो उससे रिलेटेड है, देन आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, सो 1 to 5 टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, इनमें से आप सेलेक्ट करके इसकी प्रैक्टिस करोगे, देन इसके बारे में डिस्कस करोगे इन अ ग्रुप में, जो आपका ग्रुप होगा। ओके, सो आई होप आप समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं थोड़ा। डिजिटल एजुकेशन विल टेक ओवर ट्रेडिशनल एजुकेशन कम्प्लीटली। फिल सर्कल वर्किंग मदर, यू आर अ मदर ऑफ अ चाइल्ड इन द सेकेंड ग्रेड। इफ डिजिटल एजुकेशन बिकम्स द नॉर्म एंड किड्स अटेंड क्लासेस फ्रॉम देयर होम्स, यू विल हैव टू स्पेंड मोर टाइम लुकिंग आफ्टर द नीड्स ऑफ योर चाइल्ड। Due to this, you will not be able to focus on your work. Phil Circle Psychologist, you are a psychologist who believes that socialization is an important aspect of schooling. If courses are purely online, there will be fewer opportunities to build relationships with the teacher and classmate. This will hurt students' team building and social skills. Phil Circle, a consultant, you are a consultant who advises companies on the benefits of adopting technology at their workplace. You believe that digital literacy is a core employment skill every student should have, and you advocate the adoption of digital education in schools. Phil Circle, the principal of a school, you are a principal who is concerned about the digital skills of teachers. At their current proficiency level, it is hard for them to adapt to digital education, due to which students' learning will suffer. 2. Can India afford to boycott Chinese products? Phil Circle, a local politician, you are a local politician who believes that India can afford to boycott made in China products by developing domestic industries and diversifying its sources of import. Phil Circle, a distributor of Chinese products, you are a distributor of Chinese products in India. Chinese products are in great demand as they are cheaper and more affordable. Depending on the product,
These items are 10 to 7 Indian company. You are a CEO of an Indian automobile company who imports 25% of his components from China. An outright boycott would result in a closure of your factory. Full circle cost conscious end consumer. You are a consumer who buys Chinese products as they are more affordable. A boycott of Chinese products would be inflationary for you and you would need to cut down on your purchase of essential goods like food and clothing. Three, plastic pollutes Mother Earth and it creates problems for wildlife and their habitats, therefore, it should be banned. Full circle and environmentalist. You are an environmentalist who has been lobbying for the ban of plastic bags as they contribute to climate change. They get into the soil and slowly release toxic chemicals. They eventually break down into the soil that animals eat who often choke and die. Full circle a vendor. You are a vendor whose customers are heavily dependent on free, cheap, and strong plastic bags to carry goods and belongings. Replacing plastic bags with biodegradable bags will increase your costs significantly. Full circle a person who lives right next to the garbage dump. He says, it's very dusty and dirty here. And when it rains, it is really difficult to breathe and move outside. Due to this, we often face health issues. Full circle a citizen. You reside next to a garbage dump. Plastic pollution has affected the quality of air in your neighborhood, specifically during the monsoons when you find it difficult to breathe and move outside. You and your family have developed health issues. Full circle chairman of Plastic Manufacturer Association. You are the chairman of the Plastic Manufacturer Association. A ban on plastic covering bags, dishes, cups, glasses, bowls, forks, spoons, straw, containers and small PET bottles will make 300,000 people jobless. 4. Globalization. Risk or opportunity filled circle political leader. You are a political leader who has firsthand seen that globalization is a powerful engine for peace and prosperity. It leads to good relations with other countries. Full circle member of the Economic Council. As a member of the Economic Council, you hold the view that globalization is beneficial for India as producers profit by selling their goods globally and consumers benefit by purchasing cheaper imported goods. Full circle researcher. You are a researcher who bats for the positive impact of globalization as your work suggests that globally integrated countries are seen to be trustworthy as it increases people-to-people interaction and confidence-building measures. Full circle social worker. You are a social worker who believes that globalization increases poverty by negatively impacting a country's manufacturing capacity. An increase in imports results in an export of jobs resulting in an increase in unemployment. 5. Corruption in civic bodies has contributed to the degradation of your city's local infrastructure. The area gets waterlogged every monsoon due to improper drainage facilities which inconveniences everyone. 17. Filled circle builder. You are a builder who has built an apartment complex in this locality. You contend that you have fulfilled your obligations and these problems existed even before you undertook the project. Filled circle society resident. You are a resident of the society who is fed up with the day-to-day problems with the building infrastructure. You want a resolution as you are paying for filled circle builder. You are a builder who has built an apartment complex in this locality. You contend that you have fulfilled your obligations and these problems existed even before you undertook the project. Full circle society resident. You are a resident of the society who is fed up with the day-to-day problems with the building infrastructure. You want a resolution as you are paying for building maintenance every month. Full circle officer of the local civic body. You are an officer in the local civic bodies that maintains civic infrastructure. As per you, the local residents do not pay their property taxes due to which the civic body does not have money. All problems will be solved if residents pay their dues. Full circle local gym owner. You are a local gym owner who has invested 25 lakh rupees to set up a modern state-of-the-art gym. You are upset that this poor infrastructure is resulting in a loss of customers. Story se lena. Ye aapki activity book mein aapka note likhna hai. जो भी आप सीखोगे जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया वो आपको यहाँ पे नोट लिखना है. देन पार्ट बी में आपको आपका कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी आपने रिसर्च करी है जो भी आपने रिसर्च की है
फैसिलिटेटर के थ्रू हो सकती है, आपके थ्रू हो सकती है, देन आपके ग्रुप ऑफ फ्रेंड के थ्रू हो सकती है, वो आपको यहाँ पे खुद से राइट डाउन करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है आपके लिए। स्टूडेंट्स लर्नर, आपकी एक्टिविटी बुक में है, पार्ट डी के अंदर क्विजेज हैं, ओके 1 to 5 हैं, जो कि मैंने आपके लिए ऑलरेडी फिल करके रखे हैं। फर्स्ट आप अपने ब्रेन के अकॉर्डिंगली कीजिएगा, देन कुछ अगर आपसे मिस आउट हो जाता है तो प्लीज इसके थ्रू भी आप उसको करेक्ट कर सकते हो। ओके फर्स्ट आप खुद से कीजिएगा, ओके अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो इसमें से चेक कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स ना, ओके आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगेगी। अगर आपको यूजफुल लगे तो प्लीज और स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक जरूर कीजिएगा, मैं उसमें कुछ ना कुछ आपके लिए एड ऑन करती हूँ ताकि आपकी लर्निंग स्टॉप ना हो सके। ओके स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, ओके चलिए अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक लेटा टाटा बाय बाय।